टनल में फंसे मजदूरों का हाल जान लेते हैं। उत्तरकाशी के सिल्क क्यारा टनल में पिछले 9 दिनों से 41 मजदूरों की सांसें अटकी हैं। जरा सोचिए, जब एक कमरे में कुछ घंटे बंद रहने पर सांस उखड़ने लगती है, ऐसे में वो मजदूर कैसे सांस ले रहे होंगे जो इस टनल में फंसे हुए हैं। अब तक मजदूरों को निकालने के लिए 4 रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए गए और सभी फेल रहे। नैनीताल हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सचिव लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर दिया है। मजदूरों को बचाने के लिए क्या किया, यही पूछा हाईकोर्ट ने। 48 घंटे में जवाब देना है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, प्रशासन जो है कार्य हो रहा कह रहे हैं, बाकी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कार्य के लिए कि तुरंत कार्य हो जाए। जो भी हो रहा हम देख ही रहे हैं, क्या बताएं इसके लिए। घर में परेशानी, मम्मी जरा थोड़ा ज्यादा ही परेशान हो जाती है। दिवाली बीत गई, भैया दूज चली गई, अब तो वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया। जब पूरा देश त्योहार और क्रिकेट के सीजन में व्यस्त था, तब हमारे 41 मजदूर भाई एक एक सांस के लिए परेशानी झेल रहे थे। फंसे तो अब भी हैं अंधेरी सुरंग, रोशनी कैसे आएगी, कौन बचाएगा, कैसे निकलेंगे कोई नहीं बताता। सब कहते हैं बस हिम्मत रहो। पूरी रात कोई काम नहीं था, पूरी रात ऊपर काम ही नहीं उन्हें दिया गया, नहीं तो रोड क्लियर हो गई होती तो अब तक मशीन से काम शुरू हो जाता। तो इसमें आपसी जो है ना कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और हर एक को जिन जिन को जो भी काम अगर जो सौंपा गया उस पर तुरंत काम होना चाहिए। ये गुस्सा, ये नाराजगी, परेशानी वाजिब है, होनी भी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार पिछले 9 दिन से यही वादे कर रही है। कहा जाता है कि आज नहीं तो कल पक्का सबको बाहर निकाल लेंगे, मगर कैसे, कोई सॉलिड प्लान किसी के पास नहीं। जिसका जो दिमाग लगता है वैसे ही गड्ढे खोद रहा है, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई आगे से, कोई पीछे से। एक मशीन आती है, अंदर जाती है, थोड़ी देर ड्रिलिंग होती है, फिर बंद पड़ जाती है। मशीनें खराब हो गई और प्लान अधर में लटक गए। आखिर कब तक 41 मजदूर पाइप के जरिए पेट भरें, कोई सुनने वाला नहीं। टनल के भीतर फंसे 41 लोगों के लिए अब खाना भेजा जाएगा, खाना अब बड़ी मात्रा में भेजा जाएगा, क्योंकि एक और पाइप जो है वो वहाँ पर इंस्टॉल कर दी गई है। अब खिचड़ी, दलिया, इस तरीके की चीज़ें भेजी जा सकेंगी। और ये देखिए, उनके लिए खिचड़ी भी तैयार कर दी गई है। ये आप देख रहे हैं कि ये खिचड़ी जो है इसी को ही किसी बॉटल के जरिए उसमें भर कर और फिर कंप्रेशर के जरिए उन तक पहुँचाया जाएगा। ये जो बोतलें हैं, इन बोतलों में खिचड़ी दलिया भरा जाएगा, फिर उसके बाद इन बोतलों को कंप्रेशर के जरिए, मतलब उस पाइप में ऐसे डालेंगे, फिर पीछे से कंप्रेशर के जरिए उसमें उसको धीरे 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 वहाँ जहाँ तक वो लोग फंसे हुए हैं वहाँ तक भेजा जाएगा। अब जो है फ्रूट्स भी जा सकते हैं, दलिया जाएगी, दाल जाएगी, चावल जाएगा और तमाम चीज़ें, खिचड़ी जाएगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार कर दी गई हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है सब्र भी टूट रहा है। उत्तरकाशी की सुरंग 12 नवंबर को धंसी थी और तब से मजदूर वहीं पर फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए बचाव दल की टीमें अब 6 प्लान पर काम कर रही हैं। वो क्या प्लान है, पहला विकल्प क्या है, टनल का जो रास्ता मलबा गिराने से बंद हुआ है इसी जगह से ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग की जाए। दूसरा विकल्प क्या है, पडकोट की तरफ से बैक साइड से ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाए। तीसरा विकल्प क्या है, टनल के ठीक ऊपर से पहाड़ी है जो, उसको वर्टिकल ड्रिलिंग का काम किया जाए सिर की साइड से। चौथा विकल्प क्या है, ऊपरी हिस्से पर एक और जगह है जहां पर मार्किंग की गई है, वहां से ड्रिलिंग की जाए। पांचवा विकल्प क्या है, टनल के राइट साइड पर एक रास्ता तैयार किया जाए, वहां से एंट्री मारी जाए। छठा विकल्प क्या है, टनल की बाईं ओर से एक रास्ता निकालने की तैयारी कर रहे हैं कि वहां से कोई अंदर घुसने की जगह मिल जाए। सरकार भरोसा दिला रही है कि एक एक मजदूर को सुरक्षित बचा लिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि विकास के नाम पर पहाड़ों को चीर कर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी सुरंग तो बनाई जा रही है, लेकिन पुराने हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा, कीमत गरीब मजदूरों को चुकानी पड़ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।